नमस्कार स्टूडेंट्स, इस बार शेखावाटी यूनिवर्सिटी डिजिटल मूल्यांकन के तौर पर स्नातक यानी कि यूजी के बीए बीएससी बीकॉम और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के एमए एमएससी एमकॉम की लगभग 9 लाख कॉपियां जो हैं वो डिजिटल मूल्यांकन के थ्रू जो है वो चेक करने जा रही है। वैसे स्टूडेंट्स का डेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लगभग 1,63,000 स्टूडेंट्स के लगभग जो है वो स्नातकोत्तर और स्नातक के जो है वो स्टूडेंट्स इस बार जो है वो एग्ज़ाम दी थी इस बार, ठीक है, जिनकी कॉपियां 9 लाख हैं और उन्हें चेक करना है टीचर्स को डिजिटल मूल्यांकन की प्रोसेस के थ्रू। तो आखिर ये डिजिटल मूल्यांकन है क्या? इस डिजिटल मूल्यांकन में आप लोगों की कॉपियां किस तरीके से चेक हो रही हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में हम लोग जो है वो जानने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिटल मूल्यांकन में टीचर को लैपटॉप या कंप्यूटर पर जो है वो साइट ओपन करके पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद टीचर को चेक करने के लिए 30 स्टूडेंट्स की कॉपियों का एक लॉट, एक ग्रुप जो है जो कि जो आप लोगों की हार्ड कॉपीज थी, ठीक है, पेपर वाली, उनको जो है वो सॉफ्ट कॉपी उनकी पीडीएफ तैयार करके जो है वो एक टीचर को जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। 30 स्टूडेंट्स की कॉपियां एक साथ जो है वो एक टाइम में जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। 30 कॉपी चेक करने के लिए एक टीचर को लगभग 1.5 घंटे का टाइम, ठीक है, 1 and 30 मिनट्स जो है एक आवर और 30 मिनट्स का जो है वो टाइम जो है वो एक टीचर को दिया जाता है। और अगर एक कॉपी के बिहाफ पे हम बात करें तो एक कॉपी को चेक करने के लिए 3 मिनट का जो है वो टाइम यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किया गया है। एक कॉपी चेक होने के पश्चात ही टीचर को दूसरी कॉपी चेक करने के लिए दी जाती है। बीच में वह दूसरी कॉपी को जो है ओपन नहीं कर सकता है। अगर किसी टीचर से 1.5 घंटे में कॉपी चेक नहीं होती हैं तो चेक हो रही कॉपी को छोड़कर बाकी सभी कॉपियों का लॉट जो है वो लॉक हो जाता है। उसे वापस अनलॉक करने के लिए लॉगिन टीचर को करना पड़ता है और फिर से टीचर को जो है वो वापस लॉगिन करने के बाद में 30 कॉपीज़ का एक लॉट जो है वो वापस टीचर को चेक करने के लिए मिल जाता है। वैसे आप लोगों को इसमें बता दें कि अगर प्रोसेस की बात करें तो पीडीएफ वगैरह का थोड़ा जो है वो हाफ पोर्शन ऐसा कह सकते हैं आप लोग डिजिटली जो है वो तैयार हो चुका है, बट फिर भी इसमें जो है वो चेक करने की जो प्रोसेस है वो मैन्युअली है। मतलब एक आदमी को ही जो है वो वहाँ पर पर्टिकुलर आपके आंसर को जो है वो चेक करना पड़ता है कि आप लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है, आप लोगों ने सही भी लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो वर्ड स्टूडेंट्स के द्वारा आए ये संभव नहीं है, ठीक है। उसी मटेरियल को एक स्टूडेंट जो है वो कई तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आंसर में, तो इसीलिए मैन्युअली ये काम होना ही अच्छा है और इसीलिए डिजिटल मूल्यांकन में डिजिटली चेक करने के लिए भी टीचर्स को ही रखा गया है। हालांकि इसमें थोड़ा टाइमिंग जो है वो कम लगता है। आई थिंक आप लोगों को सारी प्रोसेस जो है वो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अगर आप लोग शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।